हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानते हैं कि एंजाइना क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि एंजाइना क्या होता है या एंजाइना की डेफिनेशन क्या है। तो एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं और ये कोरोनरी धमनी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसका रोग है एंजाइना, और उसका एक लक्षण है एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है कि अक्सर इसमें छाती में दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, भारीपन महसूस होता है चेस्ट में, तनाव या दर्द के रूप में जाना जाता है। इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। एंजाइना एक कम दर्द के साथ शुरू होता है और बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये है एंजाइना। एंजाइना के प्रकार कितने हैं या एंजाइना कितनी टाइप्स का होता है? मेनली 4 टाइप्स का होता है एंजाइना, या 4 प्रकार होते हैं। तो एंजाइना में होने वाले दर्द और वह कितनी देर तक रहता है उसके आधार पर एंजाइना को कुल 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। 4 टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स हैं। एक है, फर्स्ट है स्टेबल एंजाइना, या जिसको हम स्थिर एंजाइना भी कहते हैं, अनस्टेबल एंजाइना या अस्थिर एंजाइना भी कहते हैं इसको। थर्ड है प्रिंस मेटल एंजाइना, और फोर्थ है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। तो इसके बारे में हम हर एक प्रकार के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले है स्टेबल एंजाइना या स्थिर एंजाइना। तो ये तब होता है जब हृदय की जो मांसपेशियां हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं, वो रक्त पंप करने के लिए सामान्य से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब जो कार्डियक मसल्स हैं, हृदय की मांसपेशियों को पंप करने के लिए, ब्लड पंप करने के लिए या रक्त पंप करने के लिए नॉर्मल से सामान्य से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। भावनात्मक तनाव हो या शारीरिक तनाव हो या अत्यधिक ठंडा मौसम हो, तो ऐसी स्थितियों में अक्सर स्टेबल एंजाइना जो है वो हो जाता है। तो स्टेबल एंजाइना आमतौर पर थोड़े समय के लिए होता है और आराम करने पर या फिर कुछ दवाइयों से इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। जब पेशेंट रेस्ट करता है या कुछ मेडिसिंस वगैरह लेता है तो उससे ये एंजाइना, स्टेबल एंजाइना जो है वो कंट्रोल हो जाता है या नियंत्रित हो जाता है। सेकंड टाइप है अनस्टेबल एंजाइना जो अस्थिर एंजाइना। तो एंजाइना का ये प्रकार आमतौर पर बिना किसी तनाव के, जब आप आराम कर रहे होते हैं उस दौरान होता है। तो जब किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता, आप आराम कर रहे हैं या आप बैठे हैं, कुछ भी सोच नहीं रहे हैं, किसी तरह का तनाव नहीं है आपको, तो भी ये एंजाइना हो जाता है, अनस्टेबल एंजाइना या अस्थिर एंजाइना। तो ये किस तरह होता है? अनस्टेबल एंजाइना आमतौर पर प्रमुख कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार की रुकावट होने के कारण होता है, और ऐसा आमतौर पर धमनी में ब्लॉक जमने के कारण या अन्य किसी कारण से हो सकता है। अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी तरह की रुकावट आ गई है तो उस वजह से अनस्टेबल एंजाइना होता है। और ये जो दर्द होता है इसमें, ये आमतौर पर 10 से 15 मिनट तक रह सकता है। तो अगर इसमें आप आराम करते हैं या कुछ भी मेडिसिंस लेते हैं तो उसमें ये अनस्टेबल एंजाइना कंट्रोल नहीं होता। थर्ड है प्रिंस मेटल एंजाइना, या इसको वेरिएंट एंजाइना भी कहा जाता है, और ये ज़्यादातर या आमतौर पर कोरोनरी धमनी में ऐंठन होने के कारण, मतलब सिकुड़न होने के कारण होता है। और प्रिंस मेटल एंजाइना का दर्द आमतौर पर व्यक्ति के आराम करने के दौरान होता है, और जब कोई भी पर्सन सो रहा है या आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, उस टाइम पे ये एंजाइना होता है। और ये जैसे आधी रात को या सुबह के समय, मतलब बहुत ज़्यादा सुबह, जैसे 4-5 बजे सुबह के उस टाइम पे ये एंजाइना होता है, इसको वेरिएंट एंजाइना भी कहा जाता है। फोर्थ टाइप है इसकी माइक्रोवेस्कुलर
एंजाइना। माइक्रो का मतलब है बहुत ही मिन्यूट, बहुत ही मतलब कि जो वेसल्स हैं या कॉरोनरी आर्टरीज हैं या कॉरोनरी धमनी है उसकी बहुत जो महीन ब्रांचेस होती हैं, बहुत ही ब्रीक ब्रांचेस होती हैं, उनको बोला जाता है माइक्रोवेस्कुलर। तो ये एंजाइना में जो दर्द होता है ये आमतौर पर 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक रह सकता है, और ये आमतौर पर अलग अलग कारण होते हैं इसके, और ये सबसे छोटी धमनी में रक्त स्राव प्रभावित होने के कारण, सबसे छोटी धमनी मतलब माइक्रोवेस्कुलर जो है कॉरोनरी आर्टरी वो सबसे छोटी है, तो उसमें जब ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो मतलब रक्त स्राव है वो जब उस प्रभावित होता है तो उसके कारण माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना होता है। तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ एंजाइना, चार प्रकार हैं इसके, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, प्रिंजमेटल एंजाइना एंड माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। अब इसके देखते हैं हम कारण क्या हैं। तो एंजाइना के प्रमुख कारण क्या है कि धमनियों के बहुत संकीर्ण हो जाने के कारण एंजाइना होता है। जब कॉरोनरी धमनियां बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं या बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं तो उसके कारण एंजाइना हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होता। सेकंड है ऑक्सीजन युक्त रक्त का हृदय की मांसपेशियों तक पहुंचना मुश्किल होने से एंजाइनों के लक्षण जो है प्रकट होते हैं। तो धमनियां सिकुड़ने की वजह से या धमनियों में कुछ जम जाने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो कार्डियक मसल्स या हृदय की मांसपेशियों तक नहीं पहुंचता और उसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो उसके कारण एंजाइना के लक्षण प्रकट होते हैं। थर्ड है कि धमनियों को नुकसान पहुंचने के कारण या क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारक जैसे रक्त में वसा या शुगर के उच्च स्तर भी एंजाइना का कारण बन सकते हैं। ये है कारण। नेक्स्ट है एंजाइना के जोखिम कारक क्या हैं या रिस्क फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं वो क्या हो सकते हैं जिसके कारण एंजाइना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले है अस्वास्थ्यकर आहार, अगर अनहेल्दी भोजन है तो उसके कारण मोटापा के कारण हो सकता है। धूम्रपान अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा करता है उसके कारण हो सकता है। गतिहीन जीवन शैली मतलब कि अगर वो बैठा रहता है, बैठने वाला ज़्यादा काम करता है तो उसके कारण हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस अगर कंट्रोल ना हो उसके कारण एंजाइना हो सकता है। बढ़ती उम्र मतलब एज अगर ज़्यादा हो गई है तो उसके कारण भी एंजाइना हो सकता है। पुरुष महिलाओं की तुलना में पुरुषों की धमनियों के रोग होने का अधिक खतरा होता है। अनुवांशिक कारक मतलब कि अगर फैमिली में किसी को है तो आगे बच्चों को भी होने का चांसेस जो है होते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो तो भी। पोस्ट मीनोपॉजल मीनोपॉज के बाद जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको हो सकता है, या मानसिक रोग भी इसका कारण हो सकते हैं। फिर है एंजाइना के लक्षण कि एंजाइना को क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट को एंजाइना है। तो छाती में दर्द होती है, चेस्ट पेन होती है और बेचैनी के साथ साथ दबाव महसूस होता है, एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस होती है और प्रेशर महसूस होता है। फिर है हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन महसूस होती है। बाहों, गर्दन, जबड़े, कंधे या सीने में दर्द के साथ साथ पीठ में भी दर्द होता है। फिर बेचैनी होती है मतलब नर्वसनेस होती है। जी मिचलाना मतलब नौजिया होता है। चक्कर आना, डिजीनेस होती है। थकान महसूस होना, फैटीग होती है और सांसों में कमी या सांस लेने में असुविधा होती है और जहाँ सांस लेने में परेशानी होती है। दुर्बलता का अनुभव होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा मतलब कि लगता है उसको कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, पसीना आता है और खट्टी डकार आती है। एंजाइना की पहचान कि कैसे पहचान करेंगे, क्या क्या टेस्ट करेंगे कि
कि पेशेंट को एंजाइना है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर उसकी फिजिकल चेकअप करता है और उसको लक्षण जो भी है उसको महसूस हो रहे हैं उसके बारे में पूछता है डॉक्टर। और उसके बाद जो भी अंदरूनी कारण है, कोई मतलब उसको पहले से कोई बीमारी है या कोई भी मतलब खाने के बारे में या कैसे भी उसका भोजन कैसा है या उसका लाइफस्टाइल कैसा है उसके बारे में जानकारी लेता है। फिर उसके साथ साथ टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट किया जाता है, स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, ECG किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी की जाती है, कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है और स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है एंजाइना का इलाज कैसे किया जाता है। तो एंजाइना में जो दवाएं, एक तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की जाती है, मतलब दवाइयों से इसका इलाज किया जाता है। तो दवाइयां कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं एंजाइना का इलाज करने और उसे फिर से होने से रोकने के लिए? नाइट्रेट दवाएं यूज़ की जाती हैं, रक्त के थक्के बनने से रोकने और रक्त के बहाव में सुधार करने के लिए नाइट्रोग्लिसरिन, एस्प्रिन और क्लोपिड्रोजेल दवाएं जो हैं वो दी जाती हैं। दिल की तेज धड़कन अगर है तो उसको सामान्य स्तर पर लाने के लिए और हृदय को सामान्य रूप से कार्य करने में मदद करने के लिए बीटा ब्लॉकर दवाएं दी जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर है, बढ़ गया है धमनियों में, एथेरोस्क्लेरोसिस अगर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए रोसुवास्टेटिन और एटोरवास्टेटिन वेस्टेटिन दवाएं जो हैं वो दी जाती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं और जो उसमें धमनियों में प्लेक जम गया है उसको भी कंट्रोल करती हैं। तो ये है दवाओं के कारण के साथ जो इलाज किया जाता है। उसके बाद है कि सर्जरी भी की जाती है, अगर दवाओं के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उसके लिए सर्जरी का सहारा लिया जाता है। तो सर्जरी की जाती है, तो दो तरह की सर्जरी की जाती है, एक है एंजियोप्लास्टी और दूसरी है बाईपास सर्जरी। तो एंजियोप्लास्टी में जो रुकी हुई धमनियाँ हैं उनको खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी जो है वो की जाती है और स्टंट जो है धमनियों में वो डाला जाता है, जिसके कारण कि वो दोबारा ब्लॉक ना हो और स्टंट से रुकी हुई धमनियों को खोल दिया जाता है। उसके बाद है बाईपास सर्जरी। तो इस सर्जरी में क्या किया जाता है कि सर्जरी के दौरान टांग से स्वस्थ रक्तवाहिका के टुकड़े को निकाल लिया जाता है, जिसे ग्राफ्ट कहते हैं, और इसके अलावा बांह के अगले हिस्से या छाती से भी जो ब्लड वेसल है उसके टुकड़े को निकाला जा सकता है और उसकी धमनी से, उसकी मतलब हेल्प से जो ग्राफ्ट लिया है हमने उसको लेके जहाँ जो धमनी ब्लॉक है उस हिस्से पर बाईपास कर दिया जाता है। तो ये दो तरह की सर्जरी की जाती है, एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। उसके बाद है कि एंजाइना की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि उच्च रक्तचाप अगर हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च कोलेस्ट्रॉल लेवल है या डायबिटीज़, मधुमेह जैसी बीमारियां हैं तो उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए या सैर करनी चाहिए या योगा करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, एक स्वस्थ भजन बनाए रखना चाहिए, स्वस्थ मतलब भजन को कंट्रोल करना चाहिए, धूम्रपान से परहेज करना चाहिए, तनाव स्तर को कम करना चाहिए या उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। ज़्यादा तनाव जो है वो भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसे एंजाइना की हम रोकथाम कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।